हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे रहे होंगे, बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपना ख्याल रखे रहे होंगे और मेरे चैनल को इतना सारा प्यार और लाइक्स देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो चलिए आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आज की टॉपिक है, बहुत सी कॉमन सी टॉपिक है जो टैनिंग के बारे में है। आपको, मुझे या किसी और को भी कभी भी टैनिंग हो सकती है। गर्मियों का सीज़न आ गया है तो टैनिंग एक कॉमन सी प्रॉब्लम है, बट टैनिंग भी बहुत सारे टाइप्स की होती है। किसी किसी की एंटी टैनिंग हो गई है, मतलब फेस पे वो जो दाग होते हैं टैनिंग के वो रह गए हैं, मेहमान जैसे वो जा ही नहीं रहे हैं, जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। आपने बहुत कुछ ट्राई किया फिर भी वो नहीं जा रहे हैं, तो आज की रेमेडी हमारी उसी टैनिंग के ऊपर है। तो अगर आप मेरे चैनल पे को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और सेकंड थिंग, मैं अपने हर वीडियो में बोलूँगी कि अगर आपको वीडियो से रिलेटेड या रेमेडी से रिलेटेड 1% भी आपको अगर डाउट होता है तो आप प्लीज़ उस रेमेडी को मत कीजिएगा। और अगर आप करते हैं तो कम से कम कोई भी रेमेडी को 15 से 20 दिन का टाइम ज़रूर दीजिए ताकि वो अपना अच्छा इफ़ेक्ट दिखा सके। मैं अपने फेस पे कुछ मेकअप नहीं, कुछ भी नहीं करी हूँ, सिर्फ लिपस्टिक लगाया है मैंने। आप देख सकते हो स्किन कितनी क्लियर और रेडिएंट है। तो आपको भी अगर ऐसी स्किन, अच्छी स्किन और एक हेल्दी स्किन चाहिए तो आप होममेड रेमेडीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स को भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज की रेमेडी के बारे में पहले हम कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव बातें करते हैं, उसके बाद हम इस रेमेडी को स्टार्ट करते हैं। टैनिंग क्या होती है? टैनिंग का मतलब क्या होता है? टैनिंग किस वजह से हमारे फेस पे हो जाती है? टैनिंग का मतलब होता है जब आप एक प्रॉपर प्रिकॉशन नहीं लेते हैं आपके फेस के लिए। आप धूप में हैं, आप बाहर जा रहे हैं, या आपका काम है, आप ऑफिस वर्किंग वूमेन है या मेन है। इवन मेन के लिए भी मेरी सारी रेमेडीज़ वर्क करेगी। अगर आप मेन हैं और आप भी इस प्रॉब्लम से को फेस कर रहे हैं तो आप भी इस रेमेडीज़ को ट्राई कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम क्या होती है, हमारी जो स्किन होती है इसकी लेयर बहुत पतली होती है, तो जब हम डायरेक्ट सन में जाते हैं, डायरेक्ट धूप में जाते हैं, तो ये हमारी स्किन को बहुत जल्दी से अफेक्ट करती है और वो क्या होती है, अपने मार्क्स छोड़ जाती है। और ये ऐसे मार्क्स होते हैं कि अगर आपने नोटिस किया, जल्दी आपने उसका ट्रीटमेंट चालू कर दिया तो बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिल जाता है, लेकिन अगर आपने थोड़ी सी भी देर करी तो वो मार्क्स आपके मेहमान जैसे रह जाते हैं, वो जाने का नाम ही नहीं लेते हैं। तो आज ऐसी ही रेमेडी है, बहुत सिंपल सी रेमेडी है और आपको घर में वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जिस रेमेडी की मैं बातें कर रही हूँ। तो आपको ये होममेड रेमेडी घर में बनानी है और ट्राई करनी है। इसको स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, आपको डेली बनानी है और एक दिन छोड़ के एक दिन आपको ये रेमेडी लगानी है। और अगर आपका फेस बहुत ज़्यादा टैन हो गया है, मतलब बहुत ज़्यादा फोरहेड पे या चीक्स पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो चुका है, बहुत ज़्यादा बर्न हो चुका है, मतलब सन बर्न हो चुका है, तो आप इस रेमेडी को डेली अप्लाई करेंगे, दिन में एक बार, वो चाहे जब आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो मॉर्निंग में चाहे वो इवनिंग में। लेकिन अगर आप मॉर्निंग में इसे लगाते हैं तो आपको फिर बाहर नहीं जाना है, आपको घर में ही रहना है। और अगर आप इवनिंग में लगाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ताकि आपको बाहर ना जाना पड़े। और अगर आप जाते भी हैं तो सन का जो धूप होता है वो नहीं रहेगा, जिससे आपका इफ़ेक्ट बहुत जल्दी दिखने लगेगा। तो क्या होता है कि अगर आपको अपनी स्किन का केयर करना है तो बहुत ज़रूरी होता है कि आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना ही करना चाहिए। सनस्क्रीन अप्लाई करने के साथ साथ आपको बाहर से आने के बाद 5 to 10 मिनट्स रेस्ट करने के बाद, आपको बाहर से आने के बाद आपके फेस को वॉश भी करना चाहिए, चाहे वो माइल्ड कोई भी सोप हो या फिर कोई भी फेस वॉश हो। मैं आपको फेस वॉश की सलाह दूंगी कि आप कोई भी अच्छा फेस वॉश ही यूज़ करें आपके फेस के लिए, जिसका रिजल्ट अच्छा रहता है और वो माइल्ड रहता है, मतलब उसमें पीएच बैलेंस मेंटेन रहती है, तो जिसके वजह से वो आपके फेस को कोई हार्म नहीं पहुंचाती है। और साबुन जो होता है वो हार्श होता है, साबुन में बहुत सारे हार्ड केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से वो हमारे फेस पे फटाक से इफ़ेक्ट करने लगती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं कुछ और पॉजिटिव बातें या नेगेटिव बातें बता देती हूँ। इस रेमेडी का आपके फेस पे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। साइड इफ़ेक्ट सिर्फ उनको हो सकता है जिनके स्किन सेंसिटिव है। सॉरी स्किन सेंसिटिव स्किन वालों,
आप अगर ये रेमेडी ट्राई करते हैं तो पहले आपको एक पैची टेस्ट करना चाहिए, या मेरी कोई भी रेमेडी आप ट्राई करते हैं, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो मेरे बोलने पे मत जाइए, आप एक पैची टेस्ट करिए आपके नेक के अराउंड, या थोड़े से यहाँ पर थोड़ी सी वो पेस्ट को या रेमेडी को लगा के देख लीजिए पैक को, और उसके बाद अगर आपको वो सूट करती है, आपके फेस में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, तो ही आप मेरी रेमेडी को ट्राई कर दी करिए, अदरवाइज़ आप स्किप करिए, आप फिर मत ट्राई कीजिए। सॉरी, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती फिर, क्योंकि वो आपकी नेचुरल प्रॉब्लम है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो बाकी स्किन वालों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो ऑयली हो, चाहे वो कॉम्बिनेशन हो, या फिर वो कोई भी स्किन टाइप हो, सिर्फ सेंसिटिव स्किन वालों के लिए ये स्पेशली नोटिस था कि उनको पैची टेस्ट करना चाहिए कि उनके फेस को सूट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलिए हम इस पैक को स्टार्ट करते हैं। पैक को आपको मैं हर बार बोलती हूँ कि आपको आपके पैक को कम से कम 15 से 20 दिन का टाइम, कोई भी पैक अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपको ज़रूर 15 से 20 दिन का टाइम देना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड चीज़ ये होती है हमारी कि अगर आप कोई भी रेमेडी ट्राई करते हैं तो उस पर आपका ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है किसी भी रेमेडी के ऊपर, तो प्लीज़ हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि आप इस पैक को या इस रेमेडी को मत ट्राई कीजिए, मेरे बोलने पे तो बिल्कुल भी मत कीजिए। अगर आपको ट्रस्ट होता है रेमेडी के ऊपर तो ही आप ट्राई कीजिए, और मेरी कोई भी रेमेडी आपको 100% रिजल्ट देती है, जिस तरीके से मैं बताती हूँ उस तरीके से अगर आप पूरी प्रिकॉशन और पूरी फॉलो करते हैं तो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको लेना है कॉफ़ी, एक टेबल स्पून आपको कॉफ़ी लेना है जो इजीली घर में अवेलेबल होता है। उसके बाद ये एक स्पून मैंने कर्ड लिया हुआ है, जो ये भी आसानी से आपको घर में अब ये मिल जाएगा। अब उसके बाद मैंने शुगर लिया हुआ, शुगर को आपको किसी वजनदार चीज़ से थोड़ा सा कूट लेना है, मतलब शुगर के जितने बड़े बड़े दाने हैं उसको थोड़ा सा हमें कूट के छोटा कर लेना है, एकदम पीसना भी नहीं है। देखो जैसे मैं इसको, उससे नहीं हो रहा था तो मैंने इसको अच्छे से फोड़ने की कोशिश की है, पूरी तरीके से नहीं फोड़ना है और ना तो इसको मिक्सर में एकदम बारीक करना है, थोड़ा सा दरबरा जैसा हमारा स्क्रब होता है उस तरीके से आपको बना के ये उसमें ऐड कर लेना है। उसके बाद हाफ लेमन लेना है आपको, लेमन आपको डायरेक्ट कभी भी फेस पे अप्लाई नहीं करना है, लेकिन आप पैक में हाफ लेमन या उससे कम लेमन यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने पूरा हाफ लेमन से थोड़ा सा कम लेमन मैंने लिया हुआ है। उसके बाद ये मैंने एक ईवियन 400 लिया हुआ है। सिर्फ इन्हीं पांच चीज़ों को आपको अच्छे से ऐड करना है, इसका सारा ऑयल निकाल लेना है ईवियन 400 का, और उसके बाद इसका एक आपको स्मूथ पेस्ट बना लेना है अच्छे से मिक्स करने के। अब इसमें कुछ भी और आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ना रोज़ वाटर, ना तो वाटर, ना कुछ भी आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से अब ये ना हल्का सा स्क्रब टाइप का हो जाएगा, मतलब हल्का जो दरबरा होता है ना उस तरीके का, क्योंकि इसमें हमने शुगर ऐड किया है। इसको बनाने के तुरंत बाद आपको अप्लाई कर लेना है। तो आपको इस तरीके से जैसे ही बनाया तुरंत आपको अपने हाथों से अपने फेस पे अपवर्ड की तरफ अप्लाई कर लेना है। ये बहुत अच्छा कॉफ़ी पैक जो होता है हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देता है, बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट करता है। मैं आपको बार बार बोलूँगी कि अगर आपको कोई बोलता है कि लेमन फेस पे नहीं लगाना चाहिए, तो जी हाँ ज़रूर लेमन आपको डायरेक्ट फेस पे नहीं लगाना चाहिए, लेकिन आप चाहें तो कोई भी पैक में लेमन लगा सकते हैं। लेमन अगर आप किसी चीज़ में मिक्स करके लगाते हैं तो वो आपके फेस के लिए बिल्कुल भी हार्म नहीं करता है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट फेस पे अप्लाई करते हैं तो वो आपके फेस के लिए हार्म करता है, क्योंकि लेमन में साइट्रिक एसिड होता है और वो
आपकी स्किन को तब डैमेज कर सकता है। यहाँ पर मैंने पैक लगाने के बाद 5 मिनट के लिए छोड़ दिया है। 5 मिनट के बाद जब थोड़ा सा स्किन में अब्सॉर्ब हो जाएगा तो इस तरीके से आपको अपवर्ड की तरफ और सर्कुलर मोशन में बहुत अच्छी तरीके से आपके फेस को 5 मिनट तक मसाज करना है। मसाज के स्टेप्स आप देख सकते हो मैं कैसे करती हूँ। अपवर्ड की तरफ ही आपको मोस्टली मसाज करना है, डाउनवर्ड की तरफ से आपको मसाज कभी भी नहीं करना है, चाहे वो कभी भी आप कोई पैक लगाए या फिर आप घर में किसी भी रेमेडी को ट्राई करते हैं, किसी भी चीज़ को अप्लाई करके, इवन वो ऑयल ही क्यों ना हो। अगर आप फेस में, बहुत सारे लोग कोकोनट ऑयल मसाज करके रात को सोते हैं, तो अगर आप कोकोनट ऑयल मसाज भी करते हैं रात को तो वो भी अपवर्ड की तरफ ही करेंगे। इस तरीके से आपको अपवर्ड की तरफ ही मसाज करना है। पूरे फेस को आपको फोरहेड, चीक्स, नेक, आईज सबको कवर करते हुए बहुत अच्छी तरीके से मसाज करना है। और मसाज करने के बाद आपको वापस से 5 मिनट के लिए इस पैक को ऐसे ही छोड़ देना है, क्योंकि पैक के अंदर जो शुगर था ना, शुगर वो तब तक पूरा मेल्ट नहीं होता है, तो इसीलिए आपको मसाज करना ज़रूरी होता है ताकि शुगर जो होता है वो हमारा स्क्रब का काम करे। और वो हल्का हल्का सा दरबरा सा होता है स्क्रब जैसा, तो वो आपके जो डेड स्किन होते हैं, आपकी टैनिंग होती है, उसको निकालता है। इस तरीके से ये और अच्छी तरीके से हमारे स्किन में अब्सॉर्ब हो चुका है, देखो। उसके बाद फिर आपको इसी पोजीशन में आपको छोड़ देना है फिर से 5 मिनट के लिए। ये 5 मिनट हो गए हैं मेरे, अभी एकदम ड्राई भी हो गया था पैक, उसके बाद मैं वॉश कर लेती हूँ पैक को। वॉश करने के बाद आप देखो कितनी अच्छी ग्लोइंग, बिना मेकअप कुछ भी नहीं, कितनी अच्छी ग्लोइंग और रेडिएंट स्किन हो जाती है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ मेरी स्किन, ये देखिए स्किन थोड़ी शाइनी हो जाती है। जब आप हंसते हैं तो आपको ग्लो आता है आपके फेस पे। तो इस तरीके से आपको ये पूरी रेमेडी ट्राई करनी है, और आपको कैसे रिजल्ट आते हैं, कैसे इफ़ेक्ट आते हैं, उसको आपको वापस से कमेंट बॉक्स में आके आप ज़रूर शेयर करिएगा अपना रिज़ल्ट। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।